देश में लगे लॉकडाउन के कारण कई मजदूर पलायन करने को मजबूर है। रोजाना कई मजदूर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक शहर से दूसरे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। यह दृश्य बेहद भाव विभोर करने वाले हैं। मजदूरों की इन परेशानियों को कुछ कम करने के लिए शहर के कई समाज सेवी आगे आए हैं, जो गरीब जरूरतमंदों की मदद कर उन्हें राहत पहुंचा रहे हैं। शहर के समाज सेवियों में नाम है इस्माइल पटेल और शफाकत गुड्डू का, जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वे खजराना बाईपास पर गरीब बेसहारा मजदूर जो अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं, उन्हें चप्पल जूते बांटकर उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत पहुंचा रहे हैं। बता दें, वे पहले दिन से ही गरीबों की मदद करने में लगे हुए हैं और अब तक सैकड़ों किट राशन की बांट चुके हैं। साथ ही गरीबों को आवश्यकता पड़ने पर दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रहे हैं। छोटे बच्चों को भी दूध बिस्किट दे रहे हैं, जिससे बड़ों के साथ बच्चों को भी राहत मिल सके। इस्माइल पटेल और शफाकत गुड्डू समाज के वे चेहरे हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनका ऐसे समय में भी एक ही लक्ष्य है कि वह गरीबों की जितनी हो सके उतनी मदद कर सके। ये ज़रूरतमंदों के सहायक बनकर उनकी लाइफ के वे नायक हैं, जो ज़रूरतमंदों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे समाज सेवियों को आर्ट इंडिया न्यूज़ का सलाम। हम आज इंदौर के खजराना बाईपास पर आए हैं। यहाँ पर कई समाज सेवी अपनी अपने हिसाब से खिदमत दे रहे हैं। जो बेघर हैं, जो परेशान हैं, जो अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं, उन्हीं की परेशानी को देखते हुए आज कुछ समाज सेवी खजराना से बाईपास पर पहुँचे हैं उनकी खिदमत के लिए। कई जोड़ चप्पलें लेकर, खाने के लिए बिस्कुट वगैरह, नकदी लेकर आइए चर्चा करते हैं। हम यहाँ खिदमत दे रहे हैं साहब। हमने देखा कि कई लोग परेशान हो रहे हैं, पैदल पैदल हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं, जिनके पास पैरों में चप्पल तक टूट गई, बाटले बांध बांध के वो सफ़र कर रहे हैं। उनका दर्द, उनके पैर के छालों को के फ़ोटो देखे हमने फेसबुक पे, उसके दर्द महसूस किया। और हमने चप्पल की व्यवस्था की है, लेडीज़ जेंट्स हज़ारों जोड़ चप्पलें हैं, खाने का सामान है, खाने पीने की वस्तुएँ हैं, दूध हैं बच्चों के लिए, और आपको कपड़े हैं और पानी है, सभी प्रकार की व्यवस्था हमने की है। स्टॉल लगाए हैं, पूरी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हमारे मेरे से बड़े भाई हाजी उस्मान पटेल साहब पार्षद, उनके का आदेश हुआ कि आप जाएं और खिदमत करें। गुड्डू भाई को बोला कि आप जाओ और खिदमत करो वहाँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आ नहीं पाए, थोड़ी देर में आएंगे। तो हम लोग की खिदमत कर रहे हैं साहब, है ना, हिंदू देखना है ना मुसलमान देखना, सब हमारे भाई हैं, सभी की खिदमत कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जिससे आजकल फेसबुक पे व्हाट्सएप पे खूब चल रहा है कि साहब बाईपास से लोग काफ़ी निकल रहे हैं, जिनके पैरों में छाले आ रहे हैं, चप्पलें टूट रही है, और भूखे प्यासे बच्चों को बैग पे खिसड़ी से ले जा रहे हैं। तो ये देख के हम लोगों में जज्बा जगा कि भाई हम भी माशाल्लाह कुछ ऐसा करें कि बेचारों को कम से कम चप्पल तो बिछाएं। तो हमने माशाल्लाह 1000-1500 चप्पल के सेट खरीदे हैं, जैसे आप देख रहे हैं रखे हैं। और उसके अलावा जो है दूध का इंतज़ाम किया छोटे बच्चों के लिए, और फ्रूटी का इंतज़ाम किया है, नाश्ते का इंतज़ाम किया है। इसके अलावा हम कुछ लोग ऐसे जो गरीब जो हमें दिख रहे हैं उनको नकद राशि भी दे रहे हैं, ताकि वो अपने कुछ काम में ले लें। और जो हमसे होते मन रहा छोटी मोटी खिदमत कर रहे हैं, बस अल्लाह इसको कबूल करे। इंसान है, इंसानियत के नाते इंसानों की खिदमत की जा रही है। ये थे हमारे साथ समाज सेवी शफाकत गुड्डू और इस्माइल पटेल। ये लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, और आज इसी कड़ी में ही चप्पल जूते लेकर बाईपास पर आए हैं बच्चों को बांटने के लिए। साथ ही ये नकदी भी दे रहे हैं। आर्ट इंडिया न्यूज़ के लिए दाऊद कुरैशी।